हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जून। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंडियन रेलवे सीएमएस और सीडीएमएस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इंडियन रेलवे की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि सीएमएस और सीडीएमएस की वैकेंसी जो है वो यहाँ पे आने वाली है। तो इसमें आपका सिलेबस क्या हो सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या रहेगा, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, एज लिमिट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी जाएगी, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका फॉर्म फिलअप कब से हो सकता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो सर्कुलर जारी किया गया है इंडियन रेलवे की तरफ से वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेट आपको मेंशन किया गया है 13/9/2021। तो 13/9/2021 की डेट में इसको जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट में आप लोगों को क्या दिया गया है, रेस्टोरेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 7 ऑफ केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरिटेंडेंट यानी कि सीएमएस एंड चीफ डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी कि सीडीएमएस। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि जो सीएमएस और सीडीएमएस की पोस्ट है उसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए इंडियन रेलवे ने इसकी रजिस्ट्रेशन करा दी है, क्योंकि जो इसकी वैकेंसी है वो पहले 2018 में आने वाली थी, इसको इसके ऊपर जो है वो इंडियन रेलवे ने रोक लगा दी थी। तो इसीलिए अब ये वैकेंसी जो है वो आने वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे आएगी सीएमएस और सीडीएमएस के लिए और आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी आरआरबी के जोन के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो इसकी वैकेंसी आती है वो अलग से इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है, जैसे कि आरआरबी जेई और एसएससी की जो वैकेंसी आती है एसएसई की, तो उसी के साथ यहाँ पे इसकी भी पोस्ट आएगी। तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगी, कब तक यहाँ पे आप लोग इसमें अप्लाई कर पाओगे, तो ये सारी जानकारी भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि इस पे अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो अगर हम लोग बात करें सीएमएस पोस्ट के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रखा जा सकता है, तो सीएमएस पोस्ट के लिए अगर आपने बीएससी किया हुआ है मेटलर्जी में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री में, या फिर एमएससी किया हुआ है अप्लाइड केमिस्ट्री में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सीएमएस के लिए यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन रहेगी। अगर बात करें सीडीएमएस के लिए, तो अगर हम लोग बात करें सीडीएमएस के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपसे बीए बीटेक मांगा जाएगा इन रिलेवेंट फील्ड। उसके बाद बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, तो यहाँ पे मिनिमम एज 18 साल रहेगी और मैक्सिमम एज यहाँ पे 33 साल रहेगी। ये यूआर कैटेगरी के लिए रहेगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये रहेगी इसकी एज लिमिट। वहीं पे बात करें अगर इसकी सैलरी की, तो यहाँ पे जो लेवल 7 की सैलरी होती है वो 4600 ग्रेड पे वाली जॉब होती है, ठीक है, 4600 ग्रेड पे आपको मिलता है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो पे स्केल आप देख सकते हो 9000 से लेकर के 9300 से 34800 तक आपकी पे स्केल रहती है। तो ये लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी मिल सकती है और प्लस आपको यहाँ पे 4600 का ग्रेड पे भी मिलता है। अगर यहाँ पे इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करें, तो इसका जो सिलेक्शन होगा वो आपके सीबीटी एग्जाम के ऊपर बेस्ड रहेगा यहाँ पे। और इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पे आपका क्वेश्चन रह सकता है, यहाँ पे 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अगर यहाँ पे बात कर ले हम लोग इसके सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आपके जनरल अवेयरनेस पूछे जा सकते हैं, अर्थमेटिकल यहाँ पे रहेगा, टेक्निकल एबिलिटी से क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग रहेगा यहाँ पे, और जनरल इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है। अगर हम लोग बात करें कि इसकी वैकेंसी कब आएगी, नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है, तो प्रीवियस ईयर की वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, तो 2018 दिसंबर में आरआरबी जेई की वैकेंसी आई थी, डीएमएस की वैकेंसी आई थी और सीएमए की वैकेंसी आई थी। इसमें एसएसई और सीएमएस और सीडीएमएस की वैकेंसी नहीं आई थी। तो यहाँ पे जो सीएमएस और सीडीएमएस की वैकेंसी है उसके लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा। यहाँ पे आरआरबी जेई और सीडीएमएस की जो वैकेंसी है और जिसमें सीएमए की वैकेंसी रहती है और एसएसई की भी वैकेंसी रहती है, तो इंडियन रेलवे की तरफ से एक सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसको सीईएन बोलते हैं, ठीक है, जिसको सीईएन बोला जाता है। तो ये नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, उसी में सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। तो इन सभी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो 2022 में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये थी आज की अपडेट, आई होप कि आप लोगों को ये अपडेट हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।